गुड मॉर्निंग। सो अब हम पढ़ेंगे मंथ ऑफ द ईयर। ओके, पहले हमने पढ़ा वीक्स, यानी वीक कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मंथ। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। दे आर गिवन बिलो इन ऑर्डर। ये ऑर्डर फॉर्म में दिया हुआ है। लर्न द नेम एंड राइट नेम इन द ब्लैंक्स बॉक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, इसके नेम को आपको लर्न करना है। देखो, ये ऑर्डर में दिया है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स, ये सब ऑर्डर में दिया है। जैसे कि अभी हम लोग वीक नेम पढ़े थे, है ना। फिर फर्स्ट डे में क्या आता है, जनवरी। ये क्या है, मंथ नेम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है विथ स्पेलिंग, और लर्न करके आप यहाँ फिल करोगी। यही चीज़ जनवरी है, सो जनवरी अच्छे से लर्न करके और इसे हाइड करके फिर आप लिखोगे इसे यहाँ पे। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। ठीक है, ये आप पूरा करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब नेक्स्ट मंथ आफ्टर यानी दिसंबर के बाद क्या आता है, फिर से जनवरी आ जाता है। जैसे कि वीक नेम में सैटरडे, संडे के बाद फिर से मंडे आ जाता है, उसी तरीके से दिसंबर के बाद जनवरी आ जाता है। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, यानी पूरे साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। ओके, फिर ये वर्कशीट आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी बस, और ये आपको खुद करना रहेगा। ये कैलेंडर है, ये डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब डे हैं, डेट हैं। ये मंथ हैं जुलाई, ये ईयर हैं 2019 का ईयर है, ये जुलाई है। फिर ये वर्कशीट फिल करना है। डैश इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। फर्स्ट मंथ क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है जनवरी, सो यहाँ क्या होगा, जनवरी। फिफ्थ मंथ कौन सा होता है, ये आपको फिल करना है। ओके,